नमस्कार। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष कुंडली के अंदर जब बना होता है तो ये काफी ज्यादा भय की स्थिति मन में उत्पन्न हो जाती है कि हमारे जीवन में सफलता कब मिलेगी। और शनि की साढ़ेसाती, तो शनि की साढ़ेसाती और काल सर्प दोष एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के बारे में नॉलेज ज्यादा रखता हो या ना रखता हो, मगर ये एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है कि हर आदमी इनसे भयभीत रहता है। एक मन में डर बना रहता है कि शनि की साढ़ेसाती लगने वाली है या कासव दोष कुंडली में लगा हुआ है, जिस कारण जीवन के अंदर समस्याएं आ रही हैं। या हम आसपास जब भी जीवन में परेशान होते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कुंडली में समस्या क्या है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई चीज देखने को मिल जाती है या बता दी जाती है। मगर यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था शनि की साढ़ेसाती को लेकर बनाया था, उसमें आपको सारे ही पॉइंट क्लियर कर देते कि शनि की साढ़ेसाती किन लोगों को अशुभ फल देती है और किन लोगों को रोड़पति से करोड़पति बना देती है। तो इसी तरह किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शनि की साढ़ेसाती वाला वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन से डर निकल जाएगा। क्योंकि वहां पे शनि के जो तीन चरण बताए गए हैं, ढाई ढाई साल के तीन चरण, उनमें हर साल के यानी कि हर एक चरण के लिए अलग से उपाय बताए गए हैं कि कौन से चरण में कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। अगर समय रहते जब पहला चरण स्टार्ट हो, आपने तुरंत पहले चरण की रेमेडी, सेकंड स्टार्ट हो सेकंड की, और थर्ड स्टार्ट हो थर्ड की, तो आपको निश्चित तौर पर जो अशुभ फल देखने को मिल रहे हैं उनमें काफी ज्यादा चीजें ठीक होती दिखाई देंगी। और अगर आप पहले से ही चीजों की जानकारी रखते होंगे तो वो समस्या आएगी ही नहीं। और आपको शनि के साढ़ेसाती अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में भी है तो कब आके चली जाएगी आपको महसूस नहीं होगा। और अगर शुभ स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आपको जीवन के अंदर एक नया मुकाम देके जाएगी, बहुत धन इत्यादि की प्राप्ति करा देगी। इसी तरह कासर दोष की बात करते हैं तो कासर दोष के बारे में बताया गया है कि कासर दोष कुंडली में 12 प्रकार का होता है। अब क्यों होता है उसकी बात करेंगे। साथ ही कुंडली में 12 प्रकार के जो कासर दोष हैं वो कब अशुभ फल देंगे, क्योंकि 12 के 12 ही अशुभ फल भी दे सकते हैं और शुभ फल भी दे सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जैसे कि हर प्लैनेट की कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। देखने में उच्च का है मगर फल आपको मिलेंगे नीच के, और देखने में नीच का है मगर फल मिलेंगे उच्च के, तो ऐसा क्यों? बहुत सारे योग होते हैं तो उनके परिणाम देखने को क्यों नहीं मिलते कि शुभ योग कुंडली के अंदर पड़े हुए हैं। अगर आप चेक करेंगे तो 8-10 योग हर एक की कुंडली मिल जाएंगे, जो चाहे कोई बाहर सड़क पे रिक्शा ही क्यों ना चलाता हो। तो आप देखेंगे कि इसी कुंडली के अंदर तो इतने अच्छे अच्छे योग हैं मगर ये रिक्शा चला रहा है, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कारण क्या है। तो चीजों को अगर आप सही से एनालाइज कर लेंगे, उनकी प्रॉपर टाइम से रेमेडी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर, और साथ ही रेमेडी के साथ साथ हम लोग हर वीडियो में प्रिकॉशंस बताते हैं, क्योंकि किसी भी रेमेडी से ज्यादा प्रिकॉशंस काम करती है। तो आपको ये पता है कि कोई समस्या जीवन में आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करनी है, बचाव क्या है। बचाव को अगर पहले फॉलो करते हैं तो आपको रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग हर वीडियो में डिटेल से बात करते हैं और हर उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन में आपको दोबारा उस विषय में दोबारा जानकारी लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आज के वीडियो में हम कासुर दोष के बारे में बात करेंगे। कासुर दोष कुंडली में कितने प्रकार के हैं, तो 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार के क्यों हैं और किस तरह का फल मिलेगा, और कुंडली के 12 प्रकार के जो कासुर दोष हैं इनके लिए क्या एक ही रेमेडी काम करेगी या अलग अलग रेमेडी। तो यहां पर अलग अलग हाउस के अंदर जो 12 प्रकार के योग बताए गए हैं या दोष बताए गए हैं, तो ये दोष है योग है ये डाउट क्लियर होगा। ये तरक्की देगा आपको या जेल यात्रा कराएगा, ये डाउट क्लियर होगा। जीवन में सफलता कब मिलेगी, अगर दोष की स्थिति में है तो कब तक जीवन में संघर्ष रहेगा, परेशानी रहेगी, उसकी बात करेंगे। और अगर शुभ हुआ तो किस तरह के परिणाम देगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो मल्टी मिलियनेयर लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन इत्यादि जीवन में होता है, जितना कि आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके कुंडली में भी कासव दोषी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन रेमेडी की बात करेंगे जिसको सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कुंडली में कहीं भी बना हुआ हो, पर्टिकुलर हाउस में जहां बना हुआ है उस हाउस के रिगार्डिंग रेमेडी की बात करेंगे और साथ ही आपका प्रिकॉशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कालसर्प दोष कुंडली में कितने प्रकार के होते हैं। तो 12 प्रकार के, अनंत कालसर्प दोष, कुलित कालसर्प दोष, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घटक, विषधर और शेषनाग।
अब यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, अनंत कासुर दोष। अब ये कब होगा? जब पहले घर में राहु और सातवें घर में केतु हो, यानी कि लगन हाउस के अंदर राहु और सेवेंथ हाउस में केतु हो। अब जब ये योग होगा तो किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर लगन हाउस के अंदर राहु और सातवें घर में केतु, तो अनंत कालसर दोष, तो क्या यहां पर जातक योग्यता से अधिक सफलता जीवन में प्राप्त करेगा, मगर कब करेगा? जब ये योग शुभ स्थिति में हो। यहां पर शुभ स्थिति कैसे? कि राहु कुंडली में शुभ होना चाहिए। तो राहु के टॉपिक में आपको बताया था कि राहु के लिए दो फार्मूले हैं, क्या? कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु, क्योंकि यहां पर राहु क्या है? विचारों का कारक, हमारे मन में आने वाले विचारों का कारक राहु है, और हमारी जो बुद्धि है वो क्या है? बुध। अब बुद्धि अगर ठीक होगी तो विचार भी अच्छे आएंगे, और बुद्धि अगर खराब होगी तो विचार भी गलत ही आएंगे। साथ ही राहु को क्या कहा गया है? हाथी। और हाथी अगर बिगड़ जाए तो उसको कौन संभाले? तो यानी कि हाथी जब अशुभ फल देने में आएगा, यानी कि उत्पात मचाएगा, तो किसी के संभालने से नहीं संभलेगा, तब उपाय भी काम नहीं करते हैं। अगर आपने टाइम रहते राहु को समझ लिया और उसके रेमेडी को स्टार्टिंग से लेके चले, तो यहाँ पर ये राहु कुंडली में अशुभ फल की जगह शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा और जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की दे देगा जातक को। मगर अगर ध्यान नहीं दिया और जो यहाँ पर प्रिकॉशन बताई भी जाएंगी उन प्रिकॉशन को फॉलो नहीं किया, उसके अंगेज जाके काम किया, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर राहु बिगड़ जाएगा, और राहु बिगड़ जाएगा तो काफ़ी अशुभ परिणाम देखने मिलेंगे। तो आपको बताया था कि राहु कंट्रोल किन प्लैनेट से होता है, तो एक तो बुध को ठीक रखना है, इसके साथ ही मंगल और चंद्रमा। तो कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो राहु को कंट्रोल करता है, इसके साथ ही मंगल। मंगल को क्या कहा गया? महावत। तो मंगल अगर कुंडली में शुभ है, यानी कि महावत अगर ठीक है, तो हाथी कंट्रोल में रहेगा। महावत अगर खुद बिगड़ा हुआ है, इधर उधर खराब स्थिति में है, तो यहां पर ये हाथी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कुंडली में राहु की पोजीशन या कोई सा भी 12 में से कालसर दोष बना हुआ हो, तो सबसे पहले आपने मंगल को चेक करना है। मंगल को चेक करने के लिए मंगल आपकी कुंडली में, क्योंकि मंगल को चेक करना थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल मेष नंबर की राशि में है, यानी कि एक नंबर की राशि में है, तो मेष राशि में है या वृश्चिक में है या मित्र राशि में है, तो आपको जानकारी ये है कि ये शुभ फल देगा, या मकर राशि में तो उसका फल देगा। मगर यहाँ पर मंगल जिस भी हाउस में बैठा हुआ हो, वहां पर हमने शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करी है, मंगल के 12 ही घरों में वीडियो बना चुके हैं। तो आपका मंगल किसी भी कंडीशन में हो, मित्र राशि में हो, उच्चका हो या सब राशि में हो, आप जाके अगर उस हाउस की वीडियो में चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मंगल किस कंडीशन में है, शुभ वाले फल दे रहा है या अशुभ वाले फल दे रहा है, वहां दोनों ही कंडीशन बताई गई है। तो आप इजिली चेक कर सकते हैं कि आपका कोई भी प्लैनेट कुंडली में किस पोजिशन में है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वहां पर शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करते हैं। इसके साथ ही मंगल बद, मंगल बद मीन्स बुरा, मंगल बुरे के ऊपर, बद के ऊपर एक स्पेशल सबसे बड़ा वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पर बताया है कि किन प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से मंगल कुंडली में शुभ होता हुआ भी अशुभ फल देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुध केतु का कॉम्बिनेशन हो, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो, इसी तरह वहां पे काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन डिस्कस किए गए हैं, जो बताए गए हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली बने हुए हैं तो मंगल आपका देखने में कितने ही अच्छे घर में बैठा हो, कितनी अच्छी राशि हो, मगर अशुभ फल देगा, और किस तरह का अशुभ फल देगा उसकी जानकारी भी पूरी दी गई है। तो वो सारे के सारे परिणाम अगर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है कुंडली में, तो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपने राहु फर्स्ट हाउस में है, अब काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लगन हाउस यानी कि लगन में प्रथम भाव और प्रथम भाव में एक नंबर की ही राशि को कंसिडर करा जाता है। तो हमारे जितने जो कुंडली के भाव हैं वो काल पुरुष कुंडली के आधार पर आधारित होते हैं, चाहे हम लाल किताब की बात करें या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें। तो प्रथम भाव के अंदर मेष नंबर की एक नंबर की राशि आती है मेष राशि, मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा उस घर के मालिक और कारक दोनों कुंडली में अगर शुभ हुए तो वहां बैठा प्लैनेट जो है शुभ फल देगा। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं,
अगर कुंडली में मंगल कहीं बैठे हो, अगर शुभ हुए, मंगल बद अप्लाई कुंडली में नहीं हो रहा हुआ, तो पहली कंडीशन। दूसरा, सूर्य सूर्य कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में हुए, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगल वाली। अगर ये दोनों कंडीशन ठीक हुए और बुध कुंडली में ठीक हुआ, तो राहु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अब बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा, जीवन में अपनी काबिलियत से ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा, सरकार से मान सम्मान प्राप्त करेगा, सरकार से लाभ प्राप्त करेगा। मंगल शनि केतु अगर कुंडली में मंदे हुए तो अशुभ फल देगा। तो जैसा आपको बताया कि मंगल साथ ही शनि को भी चेक कर लें और केतु को भी। जहां जन्म वहां तरक्की न करेगा, यानी कि जातक जिसका कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है, ऐसा व्यक्ति की पैदाइश जहां जिस शहर में होती है, उस शहर में ऐसा व्यक्ति तरक्की नहीं करता, उसको बाहर जाके ही जीवन में सफलता मिलती है। पिता के साथ मतभेद, वह पिता चिड़चिड़ स्वभाव के और जिद्दी होंगे, तो यहां जातक का पिता के साथ आपको निश्चित तौर पर मतभेद की स्थिति देखने को मिलेगी और पिता भी जो है थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के देखने को मिलेंगे। योजनाएं अधिक बनाएगा। अब जिसके फर्स्ट हाउस में राहु होगा, ऐसा व्यक्ति प्लानिंग बहुत ज्यादा करता होगा, क्योंकि वो अपने काम से कभी सेटिस्फाई हो गई नहीं, चाहे उसकी इनकम लाख रुपए की हो या 5 लाख रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, वो हमेशा जो है अनसेटिस्फाई रहेगा और वो कुछ ना कुछ प्लान करेगा और ज्यादा गेन करने के लिए। इसके लिए कई बार वो अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी कि गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास भी कर सकता है, मगर करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाना पैसा कमाने के लिए नुकसान ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि राहु क्या है? हाथी, और हाथी की चाल क्या है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे तरक्की देना, अगर व्यक्ति शॉर्टकट करेगा तो यहाँ पर लॉस ही फेस करेगा। दूसरा, सूर्य जहां पर हो उस घर के फल खराब करेगा। अब यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस में बैठकर मेष, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं एक मेष नंबर की राशि में, तो राहु जो फर्स्ट हाउस में होंगे, अब कुंडली के 12 ही घरों में सूर्य जिस भी घर में होगा, उस घर से संबंधित सूर्य का जो फल है उसमें आपको अशुभ फल ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, दो विवाह के योग। अब राहु फर्स्ट हाउस में अगर हुए तो यहां पर जातक की पत्नी का स्वास्थ्य अस्वस्थ रहेगा, यानी कि पत्नी के हेल्थ इश्यू होंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, तलाक और दो विवाह के योग देखने को मिलेंगे। अधिक बोलने वाला, तो राहु फर्स्ट हाउस वाले के साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वो व्यर्थ की बातें करने वाला होगा और अधिक बोलता होगा, यानी कि बातों का कोई लॉजिक नहीं होता, बिना बात की बातें करने वाला ऐसा जातक होता है। एक स्थान पर टिककर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर जातक के साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि उसके मन में कुछ न कुछ विचलन की स्थिति देखने को मिलेगी, वो एक जगह टिक के काम नहीं करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, यानी कि वो घूम फिर के काम करेगा, एक जगह बैठ के काम नहीं कर पाएगा। घर के पास मार्केट होगी, तो यहाँ पर जातक जहाँ भी रहता होगा वहाँ पर उसके घर के पास कोई ना कोई मार्केट देखने को अवश्य मिलेगी, और अगर घर में टूटी हुई माला, ताजमहल का स्टेचू, इसके अलावा हाथी का किसी प्रकार का टॉय हुआ, तो ये राहु अशुभ की निशानी बताई गई है। तो यहाँ पर अगर ये चीजें घर में हो तो तुरंत निकाल दें और समझ जाएं कि आपका राहु अशुभ स्थिति में है, तो पहले ये चीजें निकाल दें, उसके बाद जो प्रिकॉशन रेमेडी भी बताई जाएंगी उनको फॉलो करें, तो निश्चित तौर पर ये अशुभ स्थिति को आप शुभ स्थिति में ले आएंगे। घर के सामने वाले मकान की स्थिति ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पर जातक जहाँ रहता होगा उसके घर के जस्ट अपोजिट जो मकान होगा उसकी स्थिति कहीं ना कहीं खराब होगी, मकान की कंडीशन ठीक नहीं होगी, मकान के घर के अंदर लोगों के कंडीशन कहीं ना कहीं परेशानी फेस कर रहे होंगे, और यहाँ पर यह भी संभव हो सकता है कि या तो सामने वाले मकान की कंडीशन ठीक नहीं होगी, या जातक का खुद का मकान जो है वो कॉर्नर का मकान होगा, तो गली के लास्ट का हो सकता है या टू साइड का कॉर्नर का हो सकता है। इसके अलावा जातक की पत्नी के हेल्थ इश्यू और पड़ोसियों से बनेगी नहीं। जातक झूठे वादे करता होगा और 34 वर्ष की आयु तक शत्रु परेशान करेंगे। तो ये सारी कंडीशन राहु फर्स्ट हाउस केतु सेवेंथ हाउस के समय जब अनंत काल सर दोष देखने को मिलेगा, तो
तो देखने को अवश्य ही मिलेगी। अब करना क्या है उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन और उपाय की। देखिए यहां पर कुंडली के अंदर जब ये अनंत कासर दोष बना हुआ होगा या किसी भी हाउस में बना हुआ हो तो प्रिकॉशन में क्या क्या करना है। ससुराल, क्योंकि राहु क्या ससुराल का कारक, तो ससुराल से किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी इत्यादि या काले नीले रंग के वस्त्र नहीं लेने हैं। इसके अलावा ससुराल से किसी प्रकार का वाद विवाद झगड़ा नहीं रखना है, संबंध मधुर बनाकर रखने हैं। घर में किसी प्रकार का आग जला के धुआं नहीं करना है, क्योंकि राहु क्या है, कड़वा धुआं, धूप बत्ती की बात नहीं हो रही है, पूजा में धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़वा धुआं जो आंखों में लगता है, गले में लगता है, तो यहाँ पर घर में किसी प्रकार का आग जला के धुआं करना राहु को खराब कर देगा। इसके साथ ही घर के टॉयलेट, सीढ़ियां, छत, इन में किसी प्रकार का रिपेयर कराना, या सीढ़ियों के नीचे कोई भी प्रकार का आपने टॉयलेट किचन वगैरह का निर्माण कराना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा। क्योंकि कई बार हमें कुंडली के अंदर चीज़ें ठीक दिखाई देती है मगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को खराब कर लेते हैं, तो यहाँ पर सभी चीज़ों को जब ठीक रखे चलेंगे तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उपाय, अब उपाय की बात करते हैं तो आपको सारे ही उपाय बताए जा रहे हैं। अगर ये स्थिति आपको देखने को कुंडली में मिल रही है या किसी कुंडली में फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में ये है, तो 400 ग्राम सिक्के, अब सिक्के कौन से, यहाँ पर राहु के सिक्के, ये आपको जनरली पूजा सामग्री की जो दुकानें आपके शहर में होंगी यहाँ पे यंत्र माला वगैरह मिलती है वहाँ पे इजिली मिल जाएंगे। अब राहु के सिक्के उन्हें बोलेंगे या लेड धातु के सिक्के बोलेंगे, तो यहाँ पर वो सिक्के आपको वेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो उनसे आप 400 ग्राम सिक्के जल प्रवाह करने हैं शनिवार के दिन। चतुर्थी, नवमी, चौदस का विचार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया है कि चतुर्थी, नवमी, चौदस में कोई उपाय नहीं करना है। यहाँ पर 400 ग्राम सिक्के जल प्रवाह करने हैं। रोजाना नहाने के लिए जब आप जाएं तो एक कप में आधा कप या एक कप कच्चा दूध लेके जाएं और नहाने के पश्चात थोड़ा सा पानी लें, लगभग चौथाई बाल्टी, उसमें एक कप या आधा कप जो दूध लेके गए हैं वो दूध डालें और उसके बाद अपने ऊपर वो दूध वाला पानी डाल लें, ऐसा नियमित तौर पर करते रहें। दूसरा, गले में चांदी की चैन, शुद्ध चांदी की चैन गले में सोमवार के दिन पहने, और अगर आपकी माता जी आपके पास हैं या अभी हैं तो माता जी के हाथ से पहने तो और भी ज़्यादा शुभ है। मंगल बद की कंडीशन अगर कुंडली में बनी हुई है तो आप, अभी बताया है कि मंगल बद चेक कर लें, मंगल बद की रेमेडी भी सबसे पहले कर लें। यहाँ पर मंगल बद की रेमेडी बताई नहीं जा रही है क्योंकि वो मंगल बद की वीडियो में जाकर आप इजीली चेक कर सकते हैं। नंबर 5, ठोस चांदी का हाथी रखें। अब चांदी का ठोस हाथी ये आपने 50 से 55 ग्राम के बीच में लेना है। हाथी की जो सूंड है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, ऊपर की तरफ उठी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उस हाथी के अगले दोनों पैरों में लाल रंग की मोली बांधकर आपने किसी कटोरी में गंगा जल डालकर रखना है कि हाथी के पैर उस पानी में डूबे रहें। बिल्ली की जेर खाकी कपड़े में बांधकर अपने पास रखनी है। बिल्ली की जेर के बारे में आप सभी जानते हैं, तो बिल्ली जब बच्चा देती है तो जेर अपनी निकालती है, वो जेर अगर आपको गलती से मिल जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देगी, राहु के अशुभ फलों से बचाव करके शुभ फल देना प्रारंभ करा देगी। बिल्ली की जेर को खाकी कपड़े में बांधकर अपने घर में रखना काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके साथ ही गेहूं, गुड़ और तांबे, अब तांबे की कोई भी चीज़ हो सकती है, तो गेहूं, गुड़, तांबे का दान हर रविवार मंदिर में या जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, ऐसे धर्म से हैं या और किसी धर्म से हैं, तो अपने धर्म स्थान में देना बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। 4 किलो जौ, अब यहाँ पर 4 किलो जौ मिट्टी का एक बर्तन लेना है या घड़ा या मटका, कुछ भी कह सकते हैं आप, मिट्टी के एक बड़े से बर्तन में 4 किलो जौ डालने हैं और उसे कच्चे दूध डाल के भर देना है।
और उस घड़े को आपने जल प्रवाह करना है। ये आप बुधवार या शनिवार को चतुर्थी नवमी चौदस का विचार करके कर सकते हैं। इसके साथ ही धर्म स्थान में हर साल यथासंभव जो भी आपका जितना कर सकते हो धर्म स्थान में काले सफेद रंग का कंबल डोनेट करते रहें। बहते पानी में 4 नींबू 4 दिन लगातार जल प्रवाह करने हैं। जिस दिन से स्टार्ट करना है उस दिन चतुर्थी नवमी चौदस नहीं होनी चाहिए, बीच में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुत्ता पालना, काले सफेद रंग का कुत्ता पालना बहुत ही ज्यादा सुफल देगा। अगर किसी कारण से कुत्ता नहीं पाल सकते तो जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा नियमित तौर पर करें। सुबह दोपहर शाम जितना संभव हो सके उनकी सेवा करने का प्रयास करें। तो ये यहाँ पर आपको जो काल सर्प दोष की स्थिति बनी हुई है ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आज हमने बात करी अनंत काल सर्प दोष के बारे में। अब क्योंकि प्रयास ये है कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी शेयर की जा सके, कोई भी फैक्टर ऐसा ना रहे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसलिए हमने कोशिश तो ये थी कि आपके 12 के 12 एक ही पार्ट में डिस्कस कर लें, मगर जब यहाँ पर पूरी जानकारी देने का प्रयास करा तो लगा कि ये तो वीडियो जो है आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे का ज़्यादा ही से ना हो जाए। इस वजह से यहाँ पर अलग अलग पार्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में जानकारी देंगे सेकेंड टाइप के काल सर्प दोष के बारे में, जो आपका कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस से लेकर आपका 8th हाउस यानी कि सेकेंड हाउस में राहु होंगे और 8th हाउस में केतु होंगे, उस कंडीशन में जब बनेगा तो वो किस तरह के अशुभ फल देगा, क्या जेल यात्रा के योग बनाएगा, तो किस तरह के अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और निश्चित तौर पर जो बताए जाएंगे अगर आपने उपाय और प्रिकॉशन को फॉलो नहीं किया तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। जो काम मना किए गए वही काम अगर आपने कर लिए तो बात करेंगे सेकंड काल सर्प दोष के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।